हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। राजसमंद जिले के पर्यटन क्षेत्र में नए आयाम जोड़ते हुए शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने हेलीकॉप्टर जॉयराइड व परिचालन सेवा का वर्चुअल शुभारंभ नाथद्वारा में गणेश टेकरी स्थित 120 फीट पार्किंग पर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इससे जिले में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ की सांस्कृतिक धार्मिक पर्यटन की पृष्ठभूमि को देखते हुए ये एक नया और अच्छा कदम है। जिले में पर्यटकों को आकर्षित करने, सांस्कृतिक तथा धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग, जिला प्रशासन के कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल, नगर पालिका नाथद्वारा के संयुक्त तत्वावधान में हेलीकॉप्टर जॉयराइड व परिचालन सेवा का शुभारंभ ऑनलाइन वीसी के माध्यम से किया गया। ये हेलीकॉप्टर सेवा स्काईलाइन सर्विसेज के माध्यम से शहर के नागरिकों को उपलब्ध होगी, जिससे स्थानीय नागरिकों के साथ साथ जिले में आने वाले पर्यटकों को नाथद्वारा, कुंभलगढ़, राजसमंद व उदयपुर के धार्मिक व पर्यटन स्थलों को हवाई यात्रा के माध्यम से देखने का मौका मिलेगा। इस जॉयराइड सेवा का नियमित संचालन रापचा स्थित होटल मारुति नंदन के हेलीपैड से किया जाएगा। कार्यक्रम में कोविड 19 के तहत प्राप्त गाइडलाइन के अनुसार स्थल पर 150 अतिथियों के लिए पंडाल बनाया गया। कार्यक्रम के दौरान उपखंड अधिकारी नाथद्वारा अभिषेक गोयल, अध्यक्ष नगर पालिका मनीष राठी, उप निदेशक पर्यटन विभाग शिक्षा सक्सेना, मुख्य निष्पादन अधिकारी मंदिर मंडल नाथद्वारा जितेंद्र ओझा, नाथद्वारा उप अधीक्षक पुलिस विभाग, आयुक्त नगर पालिका कौशल कुमार सहित सभी समाज सेवी देवकी नंदन गुर्जर व अन्य जनप्रतिनिधि नाथद्वारा, उपाध्यक्ष एवं सभी पार्षदों के साथ पंचायत समिति देलवाड़ा, रेल मगरा, खमनौर के प्रधान तथा उप प्रधान कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। जागरूक टीवी की राजसमंद से नरेंद्र सिंह हंगारोत की रिपोर्ट।